पहले ये बताइए बीजेपी आप सुनिए सुनिए मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये राइट टू टॉक बिकॉज आई एम द कॉमन पर्सन वी आर द पीपल बोलिए आम पब्लिक है हम लोग आप मुझे ये बताइए हाई कोर्ट का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है या बीजेपी का ऑर्डर है अगर बीजेपी का ऑर्डर है तो इसमें क्या स्टेप है हाई कोर्ट का अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो बीजेपी को क्या स्टेप लेना चाहिए अभी हम कभी सुन रहे हैं इधर से इंदर यादव आ रहे हैं कि ये बीजेपी ने नहीं किया ये तो क्या है ये सुनिए सुनिए आपकी बात की जवाब अभी मैं कल देख रहा था आपको हमारी बात सुनिए आपको हमारी बात सुनिए क्योंकि हम लोग स्कूल है जिसका लीज खत्म हुआ है उसके साथ नहीं छेड़ा जाता है क्योंकि वहां पर ब्यूरोक्रेटों के बच्चे स्कूल बारामूला डीपीएस स्कूल श्रीनगर पीकस ऑटोमोबाइल जिसकी एसडीए लैंड में 25 से 30 केस है उस पर बिहार पंजाब हरियाणा राजस्थान मध्य प्रदेश से आईएएस अफसर यहां पर आए जो चीफ सेक्रेटरी रहकर गए हैं उन्हें जमीनें बहुत हड़प की है जिसमें बरनाल स्कूल है क्योंकि उसमें ब्यूरोक्रेटों के बच्चे पढ़ रहे उसके साथ नहीं छेड़ा जाता है बिस्को स्कूल है जिसका लीज खत्म हुआ है उसके साथ नहीं छेड़ा जाता है क्योंकि वहां पर ब्यूरोक्रेटों के बच्चे पढ़ रहे हैं बड़े बिजनेसमैनों के बच्चे पढ़ रहे हैं मंत्री और संतरियों के बच्चे पढ़ रहे हैं डीपी दर गुफकार जिसको 15 से 18 कनाल लीज है और कम से कम 40 या 100 कनाल उसने आपने हड़प किए उसके बाद फ्रेंडिस कॉलोनी जो एयरपोर्ट के बाहर है उसको सारी चराई और घास चलाई और स्टेट लैंड पे है जिसमें एक्स चीफ सेक्रेटरी पुलिस अफसर डीजी आईजी एसएसपी कमिश्नर प्रिंसिपल सेक्रेटरी और बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन ने खरीदा है जिन्होंने असल रसूख पर वो मकाने बनाए हैं जिसमें एक रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी साहब का कब्रिस्तान भी जो है जिसमें वो दफन है वो भी उसी घास चराई लैंड में है पहले इन लोगों को छेड़ो डीपीएस स्कूल बड़गाम जिसके पास कम से कम 200 कनाल सरकारी आरजी है उस पर छेड़ दीजिए डीपीएस स्कूल बारामूला डीपीएस स्कूल श्रीनगर पीकस ऑटोमोबाइल जिसकी एसडीए लैंड में 25 से 30 केस है उस पर चल रही है बाईपास पर और भी वर्कशॉप है जो सरकारी लैंड पर है उसके बाद थिम्बर जहां महबूबा मुफ्ती के पीडीपी की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी वहां पर जमीन उनकी बहनोई ने जो खरीदी है अगर 10 कनाल खरीदी है 20 कनाल का सरकारी राज नाजायज कब्जा है जिसमें पुलिस अफसरों की भी ये जमीन है जिसमें पॉलिटिशियनों की भी जमीन है आज तक बहुत बार उनकी नोट से निकल गई मगर आज तक नहीं निकाला गया वो जमीन आप लोग इन लोगों को पहले लिस्ट तैयार करें बड़े बड़े लोगों को उनको निकालिए और इसमें दूसरी बात इसमें खाली जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेट इन्वॉल्व नहीं है इसमें वो लोग भी है जो यूपी बिहार पंजाब हरियाणा राजस्थान मध्य प्रदेश से आईएएस अफसर यहां पर आए जो चीफ सेक्रेटरी रहकर गए हैं इसमें वो लोग भी इन्वॉल्व है आज उनकी जो बिहार से आया जो राजस्थान से आया जो महाराष्ट्र से आया जो यूपी से आया जो हरियाणा से आया जब वो यहां पर आए थे आईएएस अफसर बन के वो चप्पल पर आए थे आज उनकी कोठियां देखो आप दिल्ली में हरियाणा में राजस्थान में पंजाब में उनकी कोठियां आज देखो उन्होंने वो लूट कर पैसा जम्मू कश्मीर से लिया है और बड़े बड़े फार्म हाउस दिल्ली और बाकी स्टेटों में बना है उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए न कि जम्मू कश्मीर के इसके साथ साथ एक मिनट आप रुके एक मिनट एक आईएएस अफसर की यहां पर इंक्वायरी हुई है जो हॉर्टिकल्चर और मार्केट प्लानिंग में कमिश्नर प्रिंसिपल सेक्रेटरी था उसको यहां से ट्रांसफर किया गया क्या उसके वो पाप धुल गए ट्रांसफर से उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए उसने कितना घपला यहां से किया है चीफ सेक्रेटरी साहब वो आपके सीनियर लोग हैं आप उनके साथ हाथ नहीं लगा सकते यह हमें पता है अगर आपको जम्मू कश्मीर की दर्द है जम्मू कश्मीर गरीब आवाम की दर्द है आप उन लोगों को भी पकड़े और सबसे पहले एक पॉलिसी बनाइए जम्मू कश्मीर के लोगों को 30 साल से ये बहुत परेशानियों में गुजरे हैं इन्होंने बहुत दर्द झेले हैं और आज मैं आपसे अपील करता हूं आप एक लिस्ट करिए तैयार पहले इसमें मीटिंग कीजिए डीसी के साथ
डिविजनल कमिश्नर के साथ, रेवेन्यू सेक्रेटरी के साथ, किन लोगों ने ज्यादा जमीन खाई, पहले उनके लिस्ट निकालो, फिर एक गरीब के साथ आप छेड़िए। अगर किसी गरीब के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी